आप सबके चहेते दिनेश जी हैं मेरे साथ। बड़ा ही खूबसूरत आयोजन किया गया है आम्रपाली जी के बर्थडे का और बहुत सारा बड़ा क्रेडिट दिनेश जी को जाता है। खुद आम्रपाली जी ने यहाँ इसी चैनल पर आपके सामने कहा। दिनेश जी थैंक यू सो मच सर, मीडिया की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस ये तो कुछ भी नहीं है, आम्रपाली जी का जो योगदान हमारी इंडस्ट्री के लिए है, जो भोजपुरी सिनेमा के लिए रहा है, जिस तरह से उनके आने के बाद जो फिल्में एक पे एक ब्लॉकबस्टर होनी शुरू हुई, तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, उनके लिए अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। आपके लिए लकी चाम कही जा सकती है, लकी डॉल बहुत सारे लोग आपके लिए कहते हैं आम्रपाली जी को। निरहुआ 2 साल में उन्होंने 16-17 हिट फिल्में आपके साथ दी हैं। मैं भी मानता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत लकी हैं और उनके आने के बाद मेरी फिल्मों में खुद दर्शकों ने कहा कि जैसे आपकी फिल्म हमने पहले कभी 5 बार देखा, 6 बार देखा, पर आम्रपाली जी के आने के बाद हम लोग फिल्में 50-50 बार देखे। तो सचमुच मैं मानता हूँ कि आम्रपाली जी की जो फैन फॉलोइंग है, जितना लोग उनको प्यार करते हैं, जितना लोग उनको चाहते हैं, वो तो जब भी मेरी फिल्म रिलीज होती है तो मैं ये बोलता हूँ, मैं ये सबको बताता हूँ कि आम्रपाली जी के रहने से ये होता है कि एक नहीं वो 2-2 स्टार की फिल्म हो जाती है। मैं तो रहता हूँ, मेरे फैन तो हैं ही, साथ में जो आम्रपाली जी को चाहने वाले लोग हैं वो भी जुड़ जाते हैं और फिल्म ज़्यादा सफल हो पाती है। दिनेश जी इसका एक और पहलू है कि आम्रपाली जी की भी फैन फॉलोइंग बहुत बड़े लेवल पर है उस रीजन में खास तौर पे है। और दूसरी जो चीज़ है, फिल्में एक के बाद एक हिट होने का आपका भी स्टारडम लगातार बढ़ता जा रहा है, शायद ये भी उसका एक कारण हो सकता है। ज़्यादातर सेट्स पर बर्थडे सेलिब्रेट किए जाते हैं आर्टिस्ट के, पिछली बार मुझे याद है आशिक आवारे के सेट पर सेलिब्रेट किया गया था, आज ये अचानक से सरप्राइज पार्टी वाला आइडिया कहाँ से आ गया, आपके पास इतना वक्त कहाँ से हुआ? ऐसा हुआ, सरप्राइज की बात आई ऐसे कि नॉर्मली ये पिछले बर्थडे को भी इनका गाना चल रहा था और आप अभी जो बर्थडे इनका आया तो एक गाने की शूटिंग चल रही थी, तो कल रात को ही ये शूट कर रही थी पवन जी के साथ में एक गाना, तो हम लोगों ने इनको बताया नहीं कि हम लोग ऐसा कुछ प्लान किए हैं, क्योंकि ये भुज में थी और हम लोग यहाँ मुंबई में थे, तो हम लोगों ने, हमारे जो टीम के लोग हैं, हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि जब वो मुंबई पहुँचें तो हम लोग कुछ ऐसी तैयारी करके रखते हैं कि वो देखें तो उनको अच्छा लगे, क्योंकि पिछली बार उनका बर्थडे हुआ था आशिक आवारा के सेट पे और वो बहुत खुश हुई थी, तो मुझे लगता है कि आज जो उनको ये सरप्राइज़ मिला उससे भी ये काफ़ी खुश हो गई हैं। दिनेश जी पहली फिल्म आम्रपाली ने भोजपुरी में आपके साथ की थी, आपकी होम प्रोडक्शन फिल्म थी, आपकी एक तरह से भोजपुरी फिल्मों के लिए डिस्कवरी थी, खोज थी आपकी। अब 2 साल गुजर चुके हैं, 16 से ज़्यादा फिल्में की हैं, कोई बदलाव आपने देखा है आम्रपाली दुबे में? हाँ, मैंने बस एक ही बदलाव देखा है कि जो मैंने ही नहीं दर्शकों ने भी देखा है, दर्शक भी ये मानते हैं कि वो थोड़ा सा पहले से उनका वेट ज़्यादा हुआ है, जो ठीक नहीं है दर्शकों के लिए भी और हमारी फिल्मों के लिए भी, और उस पर वो बहुत मेहनत कर रही हैं और उन्होंने वादा किया है कि इस साल 2017 में वो नए अवतार में दिखेंगी, जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी में उन्होंने अपना जादू बिखेरा था, वो जादू फिर से वो अगली फिल्म में लेके आने वाली हैं। आर्टिस्ट का दिखना, लुक्स, बदलाव, ये सारी चीज़ें बहुत सेकेंडरी होती हैं, लेकिन जो उसका सोल होता है, जो आत्मा होती है, उसकी एक्टिंग होती है। दिनेश जी आप भी जानते हैं इस बात को, एक्टिंग में निखार आपने देखा आम्रपाली जी के? जी बहुत देखा है मैंने, और मैं ऐसा मानता हूँ और दर्शकों को भी ऐसा लगता ही होगा, आम्रपाली जी बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती हैं, किसी भी किरदार में जान डाल देती हैं, वो इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, उनको देख के मैं भी सीखता हूँ कि मतलब ये किसी सीन को इतने आसानी से और इतने सहजता के साथ करती हैं, और पहली फिल्म से लेके अभी तक वो लगातार और अच्छा करती जा रही हैं, तो मैं अपने को एक्टरों से ही सीखता हूँ, मैं कहीं से ट्रेनिंग लेके आया नहीं हूँ, तो जो लोग भी मेरे साथ काम करते हैं मैं उन लोगों से ही सीखता हूँ, तो मैं आम्रपाली जी से भी बहुत सीखता हूँ मैं। सेट्स पर आम्रपाली जी कैसी होती हैं दिनेश जी, आप उन्हें करीब से देखते हैं, खास दोस्त हैं, ज़्यादातर फिल्में आपने उनके साथ की हैं, सेट के बाहर कैमरे के सामने जब नहीं होती है, कैमरे के पीछे, तब आम्रपाली दुबे कैसी लड़की होती हैं? आम्रपाली जी बहुत ही, उनके अंदर अभी भी वो
बचपना है, वो बच्चों जैसी हैं एकदम। वो छोटी छोटी चीज पे खुश हो जाती हैं, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती हैं। तो वो सेट पे तो कंट्रोल करती हैं वो, कि जब फिल्म पे शूटिंग चल रही है तो वहाँ अपना गुस्सा काबू करती हैं, शांत रहती हैं। कोई कितना भी कुछ कुछ उल्टा सीधा चल रहा है, कभी टाइम पे काम नहीं हो रहा है तो, पर वो कैमरे के पीछे वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। वो उनका जब गुस्सा एकदम से भड़क जाती है। दिनेश जी, आने वाले वक्त में आपकी और आम्रपाली की कौन कौन सी फिल्में हैं, जरा एक बार फिर से हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। आने वाली फिल्म है मेरी और आम्रपाली जी की निरोवा सटल रहे, जो होली पे आ रही है। उसके बाद मई महीने में 5 मई को हम लोग रिलीज कर रहे हैं निरोवा हिंदुस्तानी 2। आपने 1 देखा था, अब 2 हमने बना के तैयार कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि वो आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगी, जैसा पहले आपने पसंद किया था निरोवा हिंदुस्तानी को। उसके बाद हमारी एक फिल्म आएगी जिगर, जिसकी शूटिंग अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसमें आम्रपाली जी नहीं है, पर कोई और शायद अभी किसी हीरोइन को ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कौन आती हैं। और उसके बाद मेरी एक फिल्म आएगी बॉर्डर, जो हमारे होम प्रोडक्शन में हम लोग बनाने जा रहे हैं। भोजपुरिया स्टार्स बिग बॉस के घर में भी धमाल मचाते हैं, आप मचाते थे, रवि जी ने मचाया, अब मोनालिसा मचा रही हैं। आम्रपाली के बहुत सारे फैंस चाहते हैं कि आम्रपाली जी को बिग बॉस के घर में जाना चाहिए। निरहुआ क्या कहते हैं, जाएंगे, जीत सकेंगी, कुछ कहना है निरहुआ का? मैं तो बोलता हूँ उनको मत भेजिए, नहीं तो आम्रपाली जी अगर उस घर में गई पहले हफ्ते में ही किसी को थप्पड़ मार के बाहर आ जाएंगी, क्योंकि वो किसी का सहने वाली, जैसे हम लोग जैसे सब्र करते थे, हम लोग सहते थे, कोई कुछ बोलता था तो हम सोचते थे जाने दो, उसकी सोच है, वो ऐसा बोल रहा है, वो उसकी अपनी सोच होगी, हम लोग सहते थे। पर आम्रपाली जी एक दिन नहीं रह पाएंगी, वो पहले ही दिन किसी को थप्पड़ मार के बाहर आ जाएंगी, तो मुझे लगता है उनको नहीं भेजना चाहिए। आम्रपाली के बर्थडे के मौके पर एक आखिरी गाना दिनेश जी की आवाज़ में। आम्रपाली जी के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि जिया जिया हो, ओ जिया जिया हो, जिया जिया ए धन बाड़ू रानी, जवानी तो हर बनल रहे ना। थैंक यू दिनेश जी, एक और खूबसूरत इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच। आपसे मिलने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू सर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, थैंक यू।